हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सितंबर माह की कार्य योजना को अपनी मीना पंजिका में कैसे मेंटेन करना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस तरह से आप पेज देख लीजिए और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक सितंबर से तीस सितंबर तक की कार्य योजना सितंबर माह में हमारे विद्यालय में विभाग द्वारा प्राप्त कार्य योजना अनुसार प्रत्येक शनिवार को मीना मंच के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा इस बार हमें पहले शनिवार की कार्य योजना विभाग की तरफ से प्राप्त नहीं हुई है तो मैंने मीना मंच से ही संबंधित जो टॉपिक थे उन पर कार्य किया था मीना मंच कच्छ हेतु बाल अखबार व हेल्पलाइन नंबर पोस्टर का निर्माण बालिका शिक्षा व नारी हिंसा पर आधारित चार्ट पोस्टरों का निर्माण तो मैंने उसी से टॉपिक ले लिया मीरा मन से संबंधित उसके बाद जो हमारा दूसरा शनिवार है वो हमारा चौदह तारीख को है उस पर हमने क्या कार्य किया सेल्फ एस्टीम आधा फुल कॉमिक बुक फाइव पर आधारित कार्य योजना का क्रियान्वयन सभी बच्चे समूह बनाकर कॉमिक बुक फाइव का वाचन व चर्चा मीडिया द्वारा प्रस्तुत रंग रूप की तरफ आकर्षित होकर उनके जैसे बनने की चाहत की जाल में न फंस हकीकत को परखने की समझ पर चर्चा पुस्तकालय के पीरियड में बच्चों द्वारा कॉमिक बुक का पठन व चर्चा उसके बाद हमारा तीसरा शनिवार जो 21 तारीख को होगा तो इस बार लेकिन हम लोग जो 21 तारीख को हमारा शनिवार होगा उसमें हम लोग मीना मंच का संचालन नहीं करेंगे क्योंकि हमें सत्य परीक्षा का आदेश प्राप्त हुआ है विभाग द्वारा तो चूंकि मैं ये रजिस्टर पहले ही मेंटेन कर लेती हूँ इसलिए मैंने कार्य योजना लिखी हुई है आप लोग डेट और दिन डाल करके ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सत्य परीक्षा का आयोजन होने के कारण हमने मीना मंच का संचालन नहीं किया उसके बाद जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर को हम लोग मीना का जन्मदिन मनाते हैं लेकिन इस बार सत्य परीक्षा होने के कारण मीना मंच सॉरी मीना का जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे आप चाहे तो इस तरह से रजिस्टर में लिख सकते हैं चाहे तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद हमारा जो चौथा शनिवार है वो अट्ठाईस तारीख को होगा उस पर हम क्या कार्य करेंगे उसको आप लोग नोट कर सकते हैं बालिकाओं की शिक्षा एवं अधिकार संबंधी मुद्दों पर चर्चा जीवन संघर्ष गाथा पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा इस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव फिर हर माह की तरह समिति से ही कार्यवाही हेतु चार बच्चों का चयन कर लेंगे और फिर सबसे बाद में मीना सुगमकर्ता के सिग्नेचर तो इस तरह से आप सारे मैटर को नोट कर लीजिए तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू